दूसरे दिन का कैंपिंग व्लॉग में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में एक सुपर ड्राइव होगा, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड डैम देखेंगे और नेक्सन के अंदर एक नया स्पेस सेवर बेड सेटअप शेयर करेंगे। मैं पार्थो, आप देख रहे हैं, चला जाता हूँ। सुबह सुबह मैगी की तैयारी है। हम लोग लगभग पैकिंग कर चुके हैं और एक ब्यूटीफुल सेटअप में मैगी बनने को है। स्वीट। हम लोगों ने कुछ मशरूम, यहाँ के लोकल प्रोड्यूस है, वो ऐड किए हैं मैगी में। उम्मीद से ये अच्छा लगेगा हम लोगों को। काजू कूदते पर ये हमारा बेसिक सेटअप है बेड का। दो ये अटैचमेंट है जो सीट रेल में घुस जाता है और ये दो रॉड है जो किचन यूनिट के साथ कनेक्ट करता है। इसके साथ ये दो स्लैब है और ये एक छोटू स्लैब है और हमारे पास थ्री मैट्रेस का सेट है अलग अलग शेप का। देखते रहिए, देखिएगा कि ये किस तरह से फिट बैठता है। एज यूजुअल हम फ्रंट सीट्स को आगे कर लेंगे और जहां तक हो सके इसे इनक्लीन कर लेंगे आगे की तरफ। ये कुछ इस तरह से इस रेल्स में घुस जाते हैं एंड ये प्लेटफॉर्म के लिए तैयार है। और ये कुछ इस तरह दोनों रेल्स में, दोनों सीट के पीछे वाले रेल्स में घुस जाते हैं। ये बन गया हमारा पहला स्पेस सेवर। अब ये रॉड्स हम यहाँ पे लगा देंगे और ये कुछ इस तरह से फिक्स हो जाएगा और रॉड का दूसरा छोर हम यहाँ ऐसे फिक्स कर देंगे। ये हमारा लगभग प्लेटफॉर्म तैयार है और फिर इसमें एक एक करके ये सारे स्लैब्स लगाते रहेंगे। और ये हमारा बेड तैयार। ये हम लोगों ने वेलक्रो टेप लगा के रखा है ताकि सोते वक्त ये हिले नहीं। और ये मिड यूनिट। और फाइनली ये रहा हमारा किचन के ऊपर का यूनिट। इसको हम थोड़ा से, और ये देखिए किस तरह से ये फिट हो जा रहा है और ये स्टिक कर जा रहा है वेलक्रो टेप के साथ। ये हमारा बेड तैयार।
अब देख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारा स्पेस रह जाता है। और ये फोम मैट्रेस है, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल बेसिकली। मेरा हाइट 5'7" का है, आई कैन डेफिनेटली स्लिप ओवर हियर। और पिछला जो पिछला बेड सेटअप के मुकाबले ये चौड़ा हो गया, मेरे पास 14 इंच का एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया, सो दिस इज गुड गुड फॉर मी। एंड ऑल्सो इसमें एक जन और आराम से सो सकते हैं, कल हम लोगों ने सोया। तो ये रहा हमारा बेड सेटअप, और इसमें हम लगभग 5'7" वाले बंदे आराम से सो सकते हैं। मैं तुषार को बोलूँगा एक बार पीछे से दिखाए। ये थोड़ी सी ये जायल मेथड है जिसमें हम अपने चीज़ों को थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव करते रहते हैं। आई लव इट। हमारे जो छोटे छोटे स्टील के अटैचमेंट्स हैं वो ये सीट रेल पे घुस जाते हैं, और इस तरह से हम बहुत सारा स्पेस बचा सकते हैं, बहुत सारा। ये कम्प्लीटली इनोवेटिव है। इसके पहले किसी कार कैंपिंग वीडियो में हमने सीट रेल को इस्तेमाल करते हुए बेड सेटअप बनाने का कोई वीडियो नहीं देखा। कमेंट कीजिए, पेटेंट बना लूँ क्या इसका? लेकिन इसको बनाना इतना आसान नहीं निकला। सीट रेल के अंदर काफ़ी मेकनिज़म है, कहीं बोल्ट निकले हुए हैं तो कहीं सीट पीछे मूव ना करे इसके लिए स्टॉपर। काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद आखिरकार एक डायमेंशन मिला जो कि वेल्डर को एब्सोल्युटली कस्टमाइज करना पड़ा। कमेंट कीजिए ईमेल के साथ इन केस यू नीड दिस डायमेंशंस। পুরো নীল আকাশ छोटा सा झरना किसी के खेत से बहता हुआ, और देखिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। ब्यूटीफुल। उसका नाम मैथ्यूज। यहाँ पे चर्च कहाँ पे है? चर्च। आपका क्या नाम है? होनी। समु। सुंदर हंसी है। आपका क्या नाम? लॉट। क्या नाम है? दीदी। क्या हो गया इसको, दुखी क्यों है? चलो। ओ आज भी क्या आज भी ना चल।
छोटा वाला क्या ओका जाना को रहा है क्या? अरे कोई ऊपर में बैठा हुआ है। हेलो चूड़ा ऐसे जा रहा बहुत ऊपर में सामने करो हाथ थोड़ा सामने मेरे हिसाब से इनको छोड़ देना चाहिए ना। हम तो मैं क्योंकि उसका माँ बहुत दुखी होगी। नहीं सोचता हूँ उसे छोड़ देना चाहिए। उसको माँ दुखी ही रहेगी इनको क्यों पकड़ रहे हो? भाई इसे क्यों पकड़ रहे हो? और क्या क्या नहीं करना चाहिए? झूठा नहीं खिलाना चाहिए और बासी वाला खाना नहीं। और ये 2 साल के अंदर में बात करने लगेगा, क्या बात करेगा? जो उसको वही बात करे। हाँ। अच्छा वो हमारा कैंपिंग लोकेशन था।
शांत और खूबसूरत सा जंगल, कोई आवाज नहीं है। हम लोग नकती डैम के उल्टे साइड से गए थे कल, और आज हम नकती डैम के फ्रंट साइड से आ रहे हैं। ब्यूटीफुल सेटअप है, आप देख सकते हैं दूर तक कितना खूबसूरत सा नजारा है। ये फोटो आपको सच में सही नहीं दिखा पाता कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। आई जस्ट लव इट। नकती डैम के शुरू में ही आपको ये नजारा दिखेगा, और बहुत सारा पानी मेरे ख्याल से एक्सेस वाटर को यहाँ से छोड़ा जाता है, और ये काफी आवाज के साथ नीचे डाउनस्ट्रीम चला जाता है। नकती डैम का नजारा दूसरे ओर से है ना, ब्यूटीफुल। सच पूछो तो वीडियो में देख के मजा नहीं आया जितना मजा यहाँ आ रहा है। I don't wanna waste time, I remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me, I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open, now we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Don't tell me it's time to go.
आज हम कोई कैंप साइट ढूंढ नहीं पाए। नागती से निकलने के बाद हम लोग ट्राई किए, कुंद्रू घुट्टू से लोटा तक गए, पर एक रिलायबल सा जगह नहीं मिला। एक रेसिडेंशियल स्कूल था, उसके मैदान में ट्राई किए पर वो बहुत एक्सपोज सा लग रहा था, प्राइवेसी नहीं था। बाकी सब जगह या तो पहाड़ था और बहुत घने जंगल थे, जिसमें हमें उतना रिलायबिलिटी नहीं लग रहा था कैंप करने के लिए। हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि अचानक भारत सेवाश्रम का स्कूल दिखा। हम उनसे जस्ट पार्क करने के लिए इजाज़त मांगने गए, उन्होंने हमें पार्क करने दिया और स्वामी जी लोग जिस कमरे को यूज़ करते हैं उसे खोल दिया। इससे पहले हम रूम जा पाते पट्टेहाल बारिश शुरू हो गया और हम भगवान का धन्यवाद करते हैं जो उस कपल के रूप में हमें दर्शन दिए। और ना सिर्फ रूम बल्कि खाना, वो भी दाल रोटी सब्जी आम सबका इंतज़ाम किया। एक बार फिर मानवता पर भरोसा करते करते जाने कब नींद आ गया।